हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा और ये आपका लार्ज स्केल पे हायरिंग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1322 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा, टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, साइट इंचार्ज का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और भी अलग अलग टाइप के पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड यहां पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, अगर आपने यहाँ पे ITI कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल है, अगर आपने BTech कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, और अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने यहाँ पे 12वीं कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है टेक्नीशियन के पदों के लिए। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर मिनिमम यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो रहेगा यहाँ पे वीडियो के लाइक का 900 प्लस का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, कौन से लोकेशन में जॉब को सर्च कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप उसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन होगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे टॉप पे सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को प्रोवाइड करवा दी है। ये उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे ONGC का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि ONGC काम करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनका एक प्राइवेट कंपनी के साथ प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, उसी के रिगार्डिंग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो प्राइवेट कंपनी है वो आपका दीप इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये भी कंपनी आपकी ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है। मैं डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, और अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर इनके क्लाइंट कंपनी में जाएंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि बहुत सारे PSU के साथ काम कर रहा है, CPCL के साथ ही काम कर चुका है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो काम कर रहा है वो आपका वेदांता ग्रुप के साथ, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ, और अभी रिसेंटली इनका प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे ONGC के साथ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इनका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। और इन्होंने जो वैकेंसी का अपडेट दिया है यहाँ पे वो आपका लिंक्डइन के थ्रू दिया है। तो अगर आपने लिंक्डइन पे अभी तक हमको ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक्डइन पे अगर आप हमको फॉलो करके रखेंगे तो वहां पे आपको पर डे 10 से 15 जॉब्स अपडेट अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपकी ब्रांच सिविल है, सिरेमिक है, केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, मेटलर्जी है, तो इन सारी ब्रांच का भी अपडेट मैं लिंक्डइन पे डालता रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे सारी ब्रांच को कवर करना पॉसिबल नहीं रहता। तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है दीप इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा, जिनका प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे ONGC के साथ, 3 दिन पहले इन्होंने यहाँ पे जॉब वैकेंसी डाला है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं वो गैस प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए हायरिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक दे रखा है। तो हम चलते हैं डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो गूगल फॉर्म है आपको इसको अच्छे से फिल करना पड़ेगा। और इन्होंने यहाँ पे टॉप पे दे रखा है कि गैस बिजनेस के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, और जहाँ पे स्टार मार्क है वो आपका मैंडेटरी रहेगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। अब बात की जाए यहाँ पे
किसको कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको डाल देना है, आपका लास्ट नेम है वो आपको डाल देना है। जैसे कि किन किन कैंडिडेट का लास्ट नेम नहीं होता तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एन ए फिल कर देंगे। जिनका लास्ट नेम यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे एन ए फिल कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि बिलो 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर आपने 10वीं कर रखा है, 12वीं कर रखा है, आईटी कर रखा है, डिप्लोमा बीबीटेक कर रखा है, या फिर आपने कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बीएससी कर रखा है या फिर आपने यहाँ पे कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, एमटेक कर रखा है, तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कॉन्टैक्ट नंबर जो कि व्हाट्सएप पे है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देने हैं जो कि व्हाट्सएप पे यहाँ पे है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी फॉर कम्युनिकेशन, तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है, वो ईमेल आईडी डालना है जो कि एक्टिव है, जिसको आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है किसके बारे में आपको पता कैसे चला, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि naukri.com का डाल सकते हैं, जॉब कंसल्टेंट का डाल सकते हैं, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, एम्प्लॉयमेंट रेफरल, या फिर अदर कुछ भी आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने आपको रेफ़र किया है तो उसका नाम डाल सकते हैं, अगर किसी ने रेफ़र किया है तो। अगर यहाँ पे आप ये ऑप्शन डालेंगे एम्प्लॉय रेफर का रेफरेंस का, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर इसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोई और सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एन ए फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है तो यहाँ पे जाएंगे, अगर आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे टिक करेंगे, 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद पूछा है कि यहाँ पे आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजीशन है, जैसे कि ड्राफ्टमैन के पदों के लिए वैकेंसी है, टेंडर एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है, डिजाइन इंजीनियर का वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर का है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का है, परचेज इंजीनियर का है, प्लानिंग इंजीनियर का है। तो जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा है इन्होंने आर यू करंटली एम्प्लॉयड विथ ए ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो में आंसर कर देना है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो यस करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे पूछा है कि अगर आप काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, काम करते हैं तो लिख देना है, नहीं काम करते हैं तो यहाँ पे एन ए मेंशन कर देना है, ठीक है, जो कि इन्होंने बता भी रखा है। और यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उसके बारे में बता देना है, अन्यथा अदर वाला ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको 0 से लेकर 2 साल का डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है आपका करंट डेजिग्नेशन क्या है, तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो जो भी आपका पोजीशन है उसको डाल दीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पे एनए फिल कर दीजिएगा। ब्रीफली मेंशन योर वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप उसका वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं, लेकिन बताना चाहे तो, अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप यहाँ पे एन ए फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा है कि करंट सीटीसी कितना है, तो फ्रेशर का ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। बाकी अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो जितना भी आपके पास यहाँ पे आपका सीटीसी है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने आईटी कर रखा है और डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे आप जाएंगे 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए पर एनुअल तक, और अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर एमटेक कर रखा है तो आप जाएंगे यहाँ पे 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए पर एनुअल तक, यहाँ पे आप टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रखा है कि नोटिस पीरियड आप कितना देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 0 डे का देना है, ठीक है, ताकि आप इमिडिएटली ज्वाइनिंग कर सके। उसके बाद पूछा है कि आपका मैरिटल स्टेटस कितना है, तो यहाँ पे आप मैरिड है, सिंगल है, अदर है, जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा, होम टाउन कौन सा है, करंट लोकेशन क्या है, सारी चीज़ आपको डाल देनी है। उसके बाद फाइनली आपका आता है यहाँ पे प्लीज़ अपलोड योर यहाँ पे सीवी, लेटेस्ट जो आपका सीवी है, रिज्यूम है, उसको अपलोड कर देना है। और ये जो रिज्यूम रहेगा आपका पीडीएफ की फॉर्मेट में रहेगा, तो ध्यानपूर्वक पीडीएफ की फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। मिनिमम आपका जो मैक्सिमम साइज रहेगा 500 KB से कम का करना है, ध्यान रखिएगा 500 KB से कम का आपका जो यहाँ पे रिज्यूम का साइज रहेगा। सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। अब बात कीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये फॉर्म फिल करेंगे, डायरेक्टली जाएगा एचआर के पास और एचआर यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड करेगा कैंडिडेट को और उनको वापस से ईमेल करेगा, जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फॉर्म में फिल की है उस पर ही आपको ईमेल आएगा। देन फिर अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको ईमेल आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, और आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आपका वेन्यू मेंशन हो सकता है, डेट और टाइमिंग मेंशन हो सकता है,
तो आप उसको उस वेन्यू पे आपको जाना पड़ेगा, जो डेट और जो टाइम मेंशन कर रखा है सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। देन फिर अगर आपके यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू निकल जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, छोटा सा मेडिकल एग्जाम होगा जिसमें आपका वेट और हाइट मेजरमेंट होगा ताकि आपका आईडी कार्ड बन सके। देन फिर आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सैलरी आपका जो रहेगा आईटीआई और डिप्लोमा का जो सैलरी रहता है वो 2 लाख रुपये से लेके 4 लाख रुपये पर एनुअल तक आपको देखने को मिल जाता है, और जिन्होंने बीटेक कर रखा है उसका सैलरी 4 लाख रुपये से लेके 6 लाख रुपये पर एनुअल तक आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।